हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जो मैच नंबर 9 खेला जाएगा, जहां पे एक तरफ होगी इंडियन वुमेन्स की टीम और दूसरी तरफ होगी वेस्टइंडीज वुमेन्स की टीम। और जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी तो कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी की टीम, जो न्यूलैंड्स की पिच है वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, दीप्ति शर्मा कितना इफेक्ट करेगी कैप्टनसी के लिए, हरमनप्रीत कौर का क्या रोल रहेगा, क्या लेने लायक प्लेयर है नहीं है, क्या कुछ होगा, पूरा मैच ओवरिंग कैसे होगी, किसके ओवर कर सकते हैं, कौन पूरे ओवर करेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे आप नीचे आपको देखिए सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और घंटे का जो आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो सारे लोग लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जो भी फर्दर अपडेट्स आती है मैच से रिलेटेड वो आपको सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं, न्यूलैंड्स कैप टाउन में मैच खेला जाएगा। पिच है, पिच आप ऐसा बोल सकते हो कि एक तो यह भी है कि आप न्यूट्रल विकेट लेके चल सकते हो, लेकिन एक चीज कि स्पिनर्स को मदद है यहां पर, सीधी सी बात है, स्पिनर्स को मदद है तो स्पिनर्स गेम में रहेंगे और स्पिनर्स आपको काफी विकेट्स है वो निकालते हुए दिख सकते हैं, तो स्पिनर्स को आप लोग टारगेट कर सकते हो। स्कोरिंग मुझे लगता है 140-50 से ऊपर जानी नहीं चाहिए, अगर इंडियन वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करे तो 150-155 तक पहुंच सकती है, बाकी 140-150 तक मुझे लग रहा है कि स्कोरिंग होनी चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं, 3 बैटिंग फर्स्ट ने, 4 चेज करने वाले ने, 140 का एवरेज स्कोर है। अब देखिए 7 मैचेस में जो 5 मैचेस है, 5 मैचेस है वहां पे 150 से नीचे की स्कोरिंग हुई है, और 150 से 169 दो, और महिला क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि स्कोरिंग मैक्सिमम टाइम्स में आप देखेंगे 140 और 150 के बीच की स्कोरिंग है वो देखने को मिलती है, ज्यादा स्कोरिंग होती नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम खेले तो वो एक अलग बात है, बिकॉज यार वो पता नहीं कैसे हिटिंग करते हैं, पूरी टीम ही शानदार है। रिसेंट के मैचेस ये देखिएगा, 12 फेब को मैच हुआ था इसी सीजन का, बांग्लादेश ने 126 कर दिए थे 8 विकेट पर, और श्रीलंका ने चेस कर लिया था, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 3। ये भी 12 फेब का है, पाकिस्तान वुमेन ने 149 कर दिए थे, इंडियन वुमेन ने चेस कर लिया था, काफी मुश्किल से चेस हुआ था, जहां पर रॉड्रिगस ने काफी बढ़िया इनिंग्स खेली थी, पेसर्स को 1 और स्पिनर्स को 6 विकेट मिले थे। ये 10 फेब का मैच है, श्रीलंकन वुमेन्स ने 129 किए और साउथ अफ्रीका है वो चेज नहीं कर पाया था, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 5, तो ओवरऑल स्कोरिंग आपको 140-150 के बीच की मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकती है। स्पिनर्स गेम में रहे हैं, आप देख सकते हैं स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया, 5 विकेट यहां, 6 विकेट यहां, 3 विकेट यहां पे, यहां देखोगे 11 विकेट्स गिरी, यहां देखोगे 7 विकेट्स गिरी, यहां देखोगे 13 विकेट्स गिरी, 12-13-14 विकेट्स है वो मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑलराउंडर्स है जितना ले सको, बट मुझे लगता है इस मैच में बॉलर्स का भी काफी ज्यादा रोल रहेगा, वो कैसे रहेगा, कंडीशन वाइज रहेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप मजाक में चले जाओ कि हाँ बॉलर्स ले लेते हैं। हेड टू हेड मैचेस को लेके बात करते हैं, जो लास्ट के 3 मैचेस यहां पे खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, आप देखोगे यहां इंडिया ने जीता, यहां देखोगे यहां इंडिया ने जीता, यहां देखोगे तो यहां पे भी इंडिया ने जीता, तो वेस्टइंडीज की टीम कहीं ना कहीं इंडियन से कंपीट ही नहीं कर पा रही। जब आप इन तीनों मैचेस को देखोगे, वेस्टइंडीज की टीम है वो कहीं ना कहीं कंपीट ही नहीं कर पा रही है, इजीली जो इंडियन टीम है वो उसको मात दे रही है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। अब देखिए कुछ कॉमन प्लेयर्स देखते हैं, यहां पे देखोगे मैथ्यूज यहां पे 34 है, गजनबी फ्लोप है, जेम्स 21.0 है, कॉनेल फ्लोप है, फ्लेचर फ्लोप है, मंधाना फ्लोप है, रॉड्रिगस 42, हरमनप्रीत कौर 32, दीप्ति शर्मा 3 विकेट, वस्त्राकर 2 विकेट। यहां देखोगे बंधाना जिसके खेलने के चांसेस है बिकॉज लास्ट मैच में इंजर्ड थे, हरमनप्रीत कौर 56 है, दीप्ति शर्मा अच्छी है, गायकवाड़ 1 विकेट, राधा यादव 1 विकेट,
विलियम्स फ्लोप है, कंबेल 47 है, मैथ्यूज है वो 34+0 है, रामहा का 0 विकेट। यहां देखोगे शेफाली वर्मा फ्लोप, रॉड्रिगस 50 है, राधा यादव 1 विकेट, वस्त्राकर 1 विकेट, हरलीन देओल फ्लोप रही है। मैथ्यूज यहां पे ओवर परफॉर्म कर रही है, वहां पे किया, यहां पे किया और यहां पे भी 1 विकेट निकाल लिया। कंबेल थोड़ा सा ठीक है, बाकी वेस्ट इंडीज की जो कॉमन प्लेयर है वो यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। बाकी एक नाम यहां पे आ रहा है हरमनप्रीत कौर का, जो कि WI वुमेन के अगेंस्ट काफी बढ़िया कर रही है। तो आप हरमनप्रीत कौर को मुझे लग रहा है कि आपके लिए डिफरेंशियल पिक बनेगी। कंडीशंस कौन सी रहेगी, कब पहले बैटिंग करे, कब चार्जिंग करे, वो चीज आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज फिर ये भी प्रॉब्लम बन सकती है। प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। देखिए भाटिया की जगह मंदाना आ सकती है, अगर मंदाना खेले सीधी सी बात है। शेफाली वर्मा यहां पे देखोगे, जमाइमा रॉड्रिगस है, यहां पे देखोगे हरमनप्रीत कौर है, उसके अलावा ऋचा घोष, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, यहां पे देखोगे रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़। राजेश्वरी गायकवाड़ और राधा यादव ये दोनों अपने चार चार ओवर डाल सकती है। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज वुमेन में आपको टॉप सिक्स में मुझे लग रहा है टॉप सिक्स ही राइट हैंड बैट्समैन मिलेंगी, एक आपको लेफ्ट हैंड ही मिल सकते हैं, बाकी राइट हैंड बैट्समैन टॉप में ज्यादा है। ये दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अपने पूरे ओवर डाल सकती है। और आप चाहो अगर पहले बॉलिंग कर रही है इंडियन टीम तो वहां पे आप इनको सीवीसी करके भी गेम बदल सकते हो, ध्यान में रखिएगा। रेणुका सिंह ठाकुर लास्ट मैच में 3 ओवर डाले, वस्त्राकर एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, दीप्ति शर्मा मैक्सिमम लोगों के कैप्टन है, ये 5 ही बॉलर्स है जिनके ओवरिंग करनी चाहिए। बाकी लास्ट मैच में शेफाली वर्मा ने 1 ओवर डाला है, अगर देख लेना अगर डाले तो, बाकी वैसे कंटिन्यूसली वो परफॉर्म वैसे बॉलिंग करती नहीं है। फुल स्टैट्स यासिका भाटिया 17 का एवरेज वेन्यू पे, 18 का हेड टू हेड में, रिसेंट फॉर्म देखोगे ठीक ठाक है, आप खराब नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। चेजिंग के दौरान ले सकते हो, अगर पहले बैटिंग कर रही है उस वक्त ड्रॉप कर सकते हो। शेफाली वर्मा 1 मैच 33 रन के है, हेड टू हेड में 5 में 39 का एवरेज, हेड टू हेड काफी बढ़िया है, वेस्ट इंडीज को ये भी काफी बढ़िया खेलते हैं। 33+0, 15+1, 10+1, 15+0, 8+1, तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन जो परफॉर्म करते 30-35 में अच्छे पॉइंट्स देके चले जाती है। रॉड्रिगस 2 मैच 97 का एवरेज है, 4 मैच में 69 का हेड टू हेड में, लास्ट मैच में क्या 53 रन्स नाबाद पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवाया है। अगर रोड्रिगस को आप ड्रॉप करना चाहो ना, अगर आपका मन हो कि यार ड्रॉप करना है, तो आप फर्स्ट इनिंग्स यानी कि अगर पहले बैटिंग कर रही है इंडियन वुमेन्स की टीम उस वक्त करना, चेजिंग के दौरान मैं आपको नहीं बोलूंगा। हरमनप्रीत कौर 2 मैच 43 रन है, 9 मैच में 40 का एवरेज हेड टू हेड में है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो बढ़िया है। हरमनप्रीत कौर अगर पहले बैटिंग कर रही है कौन इंडियन वुमेन्स की टीम, उस वक्त आप हरमनप्रीत को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको ड्रॉप करके हरमनप्रीत कौर को ले सकते हो। ऋचा घोषा 1 मैच 31 रन, हेड टू हेड खेली नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे इनका भी अच्छा खासा है ऋचा घोष का। बाकी मैं आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगा, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, एक आधा जीएल में ले सकते हो, क्योंकि उतना इंपैक्ट ऋचा घोष दिखाती नहीं है। बाकी हरलीन देओल भी काफी नीचे आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, 3 मैच 8.5 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे स्कोरिंग है बट थोड़ी नीचे आ रही है, चार्जिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। दीप्ति शर्मा 1 मैच 1 विकेट, 6 मैच में 13 विकेट हेड टू हेड में है, आप इनकी रिसेंट फॉर्म देखोगे भाई लाजवाब है, मैक्सिमम लोग कैप्टन देंगे और फर्स्ट बैटिंग में तो फिर बनते ही है। वस्त्राकर है 2 मैच 1 विकेट, 5 मैच में 6 विकेट हेड टू हेड में, इनका भी रिसेंट फॉर्म देखोगे बिल्कुल खराब नहीं है। अगर इंडियन वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करे तो उस वक्त आप इनको एक आधा ग्रैंड लीग में कैप्टनसी के लिए जरूर ट्राई करिएगा। बाकी यहां पर ठाकुर है 1 मैच 0 विकेट, 1 मैच 0 विकेट हेड टू हेड में, लास्ट मैच में विकेट लेस रही थी, 3 ओवर डाले थे, थोड़े से अच्छे मैच जा नहीं रहे हैं रेणुका ठाकुर के लिए, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा यहां पे देखोगे राधा यादव है 1 मैच 2 विकेट इस वेन्यू पे है, 6 में 8 है टू हेड, रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाली और यहां पे भी चांसेस रहेंगे राधा यादव के, तो मैं इन दोनों को लेकर जाऊंगा। राजेश्वरी गायकवाड़ हो गई 2 में 3 विकेट वेन्यू पे है, 3 में 2 विकेट हेड टू हेड में है, परफॉर्म देखोगे एवरेज मान सकते हो, बट इन दोनों को मैं लेके जाऊंगा, यहां से इन दोनों को मैं है वो लेके जाऊंगा। तो इनमें से आप देखोगे ना तो ये 5 मुझे लग रहा है कि मुझे लेके जानी पड़ेगी। अब अगर फर्स्ट बैटिंग करती है इंडियन वुमेन्स की टीम तो उस वक्त शायद मैं रेणुका ठाकुर को ड्रॉप करके फिर ऊपर बैट्समैन की तरफ देखूं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। बाकी स्मृति मंधाना अगर खेले
तो फिर स्मृति मंदाना को आपको लेके जाना है। देखोगे 42 का एवरेज इनका भी हेड टू हेड में रहता है। देविका विद्या ये भी लेग स्पिन करती है दोस्त अगर खेले। इनका इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने आपको लास्ट मैच के दौरान बताई थी, पहले गेम छोड़ दिया था फिर वापसी कर रही है। हाइली मैथ्यूज है, स्टाफाइन टेलर है, यहाँ पे देखोगे कम्बेल है, सबिका गजनबी है, यहाँ पे देखोगे रशाड़ा विलियम्स, चैडल नेशन, छिनेल हेनरी, फाई फ्लेचर, जैडियल जेम्स, समीला कर्नेल और यहाँ पे शकीरा सेलमैन, ये 11 प्लेयर्स है। जहां पे अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट मैच में 6 बॉलर्स ने यहाँ पे इनके ओवर्स करते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखोगे जायदा जेम्स एज ए बॉलर खेल रही है तो इनके ओवर कट सकते हैं। लास्ट मैच में भी केवल इन्होंने 2 ओवर डाले हैं। फ्लेचर काफी ओवरिंग कर सकती है क्योंकि फ्लेचर अपने 4 ओवर डाल सकती है। राइट हैंड बैट्समैन है इंडियन टीम में, इंडियन वुमेन्स की टीम में, दैट्स वाइज मैं आपको बोल रही हूं कि ये ओवर डाल सकते हैं। बाकी अगर हेनरी की बात करते हैं तो हेनरी ने लास्ट मैच में आप बोल सकते हो 3.3 ओवर डाले हैं, यानी कि ये सामने वाली टीम मैच जीत गई थी तो हेनरी यहां पे अपने 4 ओवर डाल सकती है। सेलमैन के ओवर कट सकते हैं। बाकी कॉर्नेल है, कॉर्नेल ने भी लास्ट मैच में केवल 2 ओवर डाले, अभी को 14 ही ओवर हुए थे, तो कॉर्नेल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्लेचर, उसके अलावा हेनरी, ये 3 है मुझे लगता है अपने पूरे ओवर्स है वो डाल सकती है। मैथ्यूज ने भी लास्ट मैच में 2 ओवर डाले थे। यहां पे आप देखोगे फुल स्टैट्स के बारे में, मैथ्यूज 1 मैच 24 रन 0 विकेट इस वेन्यू पे कर दिए, 9 मैच में 8 विकेट है और 17 का एवरेज है। तो हेड टू हेड में एज ए बैट्समैन मैथ्यूज फंसी है। रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 42 कर दिए, 34+1 है, तो रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया है। अगर आप चाहो तो इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अगर पहले बैटिंग करती है वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम तो उस वक्त आप इनको सीवीसी भी कर सकते, कैप्टन भी कर सकते हो। सफाइन टेलर 2 मैच 17.5 का एवरेज, 6 मैच में 15 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही है वो हेड टू हेड में फंसी है, यहां पे इंडियन वुमेन्स के सामने फंसी है, बट मैं इन दोनों को लेके जाऊंगा। कम्बेल है 2 मैच यहां पे देखोगे 2 रन्स किए हैं, 13 मैच में 16 का एवरेज है, यहां पे देखोगे रिसेंट फॉर्म तो 1-2 बड़ी इनिंग्स निकली है। कम्बेल आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज लास्ट मैच में भी देखोगे तो यहां पे इन्होंने गेंदबाजी नहीं की बट प्लेयर बढ़िया है। उसके अलावा सबिका गजनबी वेन्यू पे नहीं है, 3 मैच 6 रन इनका कुछ खास रहा नहीं है। मैंने लास्ट मैच में सोचा था कि ये ओवर करेंगे लेकिन इन्होंने ओवर डाला नहीं। उसके अलावा रशाड़ा विलियम्स है वेन्यू पे नहीं है, 2 मैच 8 रन, रिसेंट फॉर्म देखोगे बिल्कुल ही खास रहा नहीं है रशाड़ा विलियम्स का। उसके अलावा सेडान नेशन है, नेशन का अगर आप देखोगे ट्राई कर सकते हो, नीचे आ रही है, वेन्यू पे नहीं है, 5 मैच 11 का एवरेज, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है सेडान नेशन ने भी। उसके अलावा हेनरी है, हेनरी को मैं लेके जाऊंगा, वेन्यू पे नहीं है, 6 मैच 6 एवरेज 0 विकेट, यहां पे देखोगे 14+2 13+0, तो ऑल इंडियन वुमेन्स के सामने सभी फंस रहे हैं, लेकिन हेनरी लेके जाऊंगा और फाइव फ्लेचर को मैं लेके जाऊंगा, वेन्यू पे नहीं है, 8 मैच में 5 विकेट है, परफॉर्म देखोगे लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, बाकी उतना कुछ खास किया नहीं है, बट मैं इस मैच में लेके जा सकता हूं। जायडा जेम्स है, वेन्यू पे नहीं है, 1 मैच 0 विकेट 21 रन, उतना कुछ खास रिसेंट फॉर्म भी नहीं है, उतना इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। कॉर्नेल है, 1 मैच 1 विकेट 4-2 है, यहां पे देखोगे इनसे भी उतना कुछ खास नहीं है। बाकी अगर वेस्ट इंडीज वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है उस वक्त आप लोग है वो शमीला कर्नेल को ले सकते हो। सेलमैन है, इनके ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, वेन्यू पे नहीं है, 6-5 विकेट है और यहां पे देखोगे उतना कुछ खास रिसेंट फॉर्म भी नहीं है। तो कॉर्नेल को फर्स्ट बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी यहां पे होल्डर है, करिश्मा रामहरक है, जोसेफ है और अलाइन है। अब प्लेयर्स बैटल पे देखते हैं, प्लेयर्स बैटल में देखोगे एक तो यार मैथ्यूज के सामने स्मृति मंदाना ने स्ट्रगल किया, बिकॉज मैथ्यूज है वो राइट हैंड ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती है और मंदाना है वो लेफ्ट हैंडी प्लेयर है, तो वहां पे देखिए 3 विकेट है 50/55, मंदाना ने स्ट्रगल किया है। मंदाना ने कहा देखोगे तो 1 बार आउट किया, 5 फ्लेचर को अच्छा खेली है, कॉर्नेल को अच्छा खेली है। उसके अलावा देखोगे सैफाली वर्मा ने भी मैथ्यूज के सामने 3 मर्तबा अपनी विकेट गवाई है 36/50, ध्यान में रखना। उसके अलावा हरमनप्रीत कौर फंसी है अफाई फ्लेचर के सामने, 3 मर्तबा विकेट गवा दी अपनी, ध्यान में रखना। हरमनप्रीत कौर सेलमैन के सामने 1 मर्तबा आउट है। उसके अलावा मैथ्यूज के सामने रॉड्रिगस है वो 1 मर्तबा आउट है, तो उतना कुछ खास नहीं है। यहां पर दीप्ति शर्मा विलियम्स 2 मर्तबा आउट, 5 बॉल में 1 ही रन, तो ये स्ट्रगल टोटली आपको दिख रहा होगा।
बाकी देखिएगा टीम मैंने क्या बनाई है, मैंने विलियम्स को रखा है क्योंकि अगर पहले बैटिंग करती है इनकी टीम तो आप विलियम्स ट्राई कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर को मैंने रखा, मंधाना को रखा, सैफाली वर्मा को रखा। मंधाना ना खेले तो आप यहां पे रॉड्रिगस ट्राई कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर और रॉड्रिगस का मैंने आपको बोला था अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको हरमनप्रीत कौर ले सकते हो, उस टाइम रॉड्रिगस छोड़ सकते हो। मैथ्यूज, हेनरी, वस्त्राकर, उसके अलावा राधा यादव है, फ्लेचर है और गायकवेड़ है। यहां पे मैं एक प्लेयर और, अगर रेणुका ठाकुर अगर इंडियन वुमेन्स की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप लोग यहां पे रेणुका ठाकुर ले सकते हो। समझ रहे हो, रेणुका ठाकुर जो आपको इन डेथ में भी दिख जाएगी तो उस वक्त रेणुका ठाकुर ले सकते हो। बाकी ये इनिशियल टीम है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि कंडीशन वाइज मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।